हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल और रूप्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ, कुछ ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो कि आप रात को सोने से पहले फॉलो कर सकते हैं। गर्मियों में रात को सोने से पहले आप क्या क्या लगा सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी, जिससे कि आपकी स्किन हेल्दी रहे, आपकी स्किन ग्लोइंग रहे और कोई भी दाग धब्बे आपकी स्किन पर ना हो। सबसे पहला जो आपको लगाना है वो है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल जो होता है वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गर्मियों में सोने से पहले बादाम का तेल लगाने से जो फेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगता है और उसकी शाइन आ जाती है, आपके जो फेस पर दाग धब्बे होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से जो स्किन होती है वो अंदर से रिपेयर होती है। रात में क्या होता है, हम बाहर जाते नहीं हैं, बाहर कॉन्टैक्ट में धूल मिट्टी कॉन्टैक्ट में रहते नहीं हैं, तो काफ़ी अच्छा टाइम हमारी स्किन को मिल जाता है रिपेयर होने के लिए। तो आपको क्या करना है, 2-3 ड्रॉप्स अपने हाथ में ले लेने हैं आलमंड ऑयल के। अगर आप प्योर आलमंड ऑयल लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकर आप अपने फेस पर 2-3 मिनट तक मसाज करें, उसके बाद आप सो जाएं, सुबह अपना फेस वॉश कर लें। सेकंड जो टिप्स आपके लिए है वो है, आप रात में सोने से पहले एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। अगर आपको प्योर एलोवेरा जेल मिल जाता है, आपके घर में लगा होता है एलोवेरा का पेड़, तो आप उससे प्योर एलोवेरा जेल निकाल कर लगा सकते हैं। इसको लगाने से जो आपके स्किन में जो टैनिंग हो जाती है धूप की वजह से वो दूर होती है, स्किन आपकी सॉफ्ट बनती है और जो आपकी स्किन में पिंपल हो रहे होते हैं ना वो भी दूर हो जाते हैं। तो रात को सोने से पहले आप फेस वॉश करके अपने फेस पर एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो टिप आपके लिए है वो है दही। दही जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और इसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, इसके साथ साथ विटामिन डी भी पाया जाता है, जो स्किन को ग्लोइंग बनाने के साथ जो कालापन होता है स्किन में वो भी दूर कर देता है। थोड़ा सा आप दही अपने हाथ में लेकर 3-4 मिनट फेस की मसाज करें और सुबह और रात भर आप इसको अप्लाई रहने दें, रात भर इसको लगा रहने दें, उसके बाद सुबह आप धो लें। तो ये क्या करता है, आपकी स्किन में जो पिगमेंटेशन होती है उसको दूर करता है और आपके जो दिन भर में जो टैनिंग हुई होती है ना उसको रिमूव कर देता है। तो दही काफ़ी अच्छा होता है रात को सोने से पहले लगाने के लिए। आप अपने फेस पर रात को सोने से पहले खीरे का जूस निकाल कर अप्लाई कर सकते हैं। समर में क्या होता है, रात को चेहरे पर खीरे का जूस लगाने से जो स्किन होती है उसको ठंडक भी मिलती है और स्किन में जो गर्मी की वजह से जो जलन हो रही होती है ना वो भी दूर हो जाती है और काफ़ी अच्छा ये आपकी स्किन पर इफ़ेक्ट डालता है। तो आप ऐसा करिए, खीरे को लाकर उसको कद्दूकस करके उसका सारा रस निकाल लीजिए, उसका कॉटन बॉल की सहायता से आप अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए और आप सो जाइए, सुबह उठकर आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए, तो काफ़ी अच्छा ही रहता है आपकी स्किन के लिए। 5 टिप जो आपके लिए है वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। इसको लगाने से जो झुर्रियों की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। जिस तरीके से आपने आलमंड ऑयल लगाया था उसी तरीके से आप 2-3 ड्रॉप्स लेकर अपने फेस पर ऑलिव ऑयल से 2-3 मिनट मसाज करें, उसके बाद आप सो जाएं, सुबह उठकर अपना फेस वॉश कर लें। तो इसी तरीके से आप इन सब चीज़ों को, कुछ टिप्स को फॉलो करके अपनी स्किन को ग्लोई बना सकते हैं, अपनी स्किन की टैनिंग दूर कर सकते हैं, अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं। तो कुछ टिप्स बस आपको रात में फॉलो करने हैं, उसके बाद आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप रात में सोने से पहले किन किन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। बाय बाय।